हेलो एवरीवन, आपका इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम ओ माय पास लव इज अ बोनस बुक का पार्ट 5 सुनने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। जिन नामी को किस करके अपनी फीलिंग्स बताता है। जिन नामी को कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन उसने नामी से कभी ये नहीं कहा होता कि तुम मेरी जीएफ बन जाओ। नामी जिन को अपने साथ देकर काफी खुश होती है। नामी को पता होता है कि जिन पहले किसी और को पसंद करता था, लेकिन इससे नामी को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इस समय जिन जिसके साथ है वो है नामी। नामी सोचती है अगर जिन और उसका रिलेशन ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन वो शादी भी कर लेंगे। लेकिन तभी उसे रेको दिखती है जो इस शादी के खिलाफ होती है। नामी कहती है अगर उसे रेको के भाई से शादी करनी है तो उसे अपनी काबिलियत को दिखाना होगा, उसे साबित करना होगा कि वो जिन के लिए परफेक्ट है। तभी हांडा रेको के ऑफिस में आता है और बताता है कि मियावी का इंट्रोडक्शन पेज बनाना है, लेकिन कोई भी फ्री नहीं है। रेको कहती है हारुका को बोलो बनाने के लिए। हांडा बताता है कि हारुका बाकी काम के साथ बिजी है। ये सुनकर नामी समझ जाती है कि उसे भी हारुका जितना प्रोफेशनल बनना है। नामी इंट्रोडक्शन पेज का काम अपने हाथ में ले लेती है। वो ऐसा इसलिए करती है क्योंकि वो रेको से एक्नॉलेज होना चाहती है, और अगर रेको ने एक बार नामी को कैपेबल मान लिया तो उसके लिए जिन से शादी करना आसान हो जाएगा। हारुका बहुत बिजी होती है, लेकिन फिर भी वो नाकाजावा के काम में मदद करने की कोशिश करती है। नाकाजावा उसे मना कर देता है। तब नामी कहती है क्या मैं ये काम कर सकती हूँ। हारुका इस बात को पसंद नहीं करती है। नामी हासुमी रियो को ड्रेस की फिटिंग चेक करवाने के लिए लेकर जाती है। नामी जुन से बात करती है। वो उसे कहती है तुमने मेरा रूम देखा, मुझे अजीब लग रहा है। जुन कहता है ऐसा क्यों। नामी टाइप करती है क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो ना, इसलिए। लेकिन तभी नामी को याद आता है कि जुन ने तो कभी उसे कहा ही नहीं कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है या वो उसे डेट कर रहा है। तो नामी उसे मैसेज नहीं भेजती और सोच में पड़ जाती है कि वो कैसे रिलेशन में है। नामी गलती से दूसरे डिजाइनर को रियो के क्लोथ्स दे देती है बिना जाने। जब वो वहाँ से जा रही होती है उसे रियो दिखाई देती है। वो रियो से मिलती है। रियो उसके साथ काफ़ी फ्रेंडली होती है। रियो और नामी लंच कर रहे होते हैं। तभी रियो की नज़र नामी की ब्रेसलेट पर जाती है जो जुन ने उसे दिया होता है। रियो कहती है मेरा दोस्त भी ऐसा ही ब्रेसलेट पहनता है। नामी कहती है मुझे ये किसी ने दिया है। रियो बोलती है तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने दिया है क्या। ये सुनकर नामी उदास हो जाती है और कहती है समझ नहीं आ रहा उसे बॉयफ्रेंड बोलूँ या नहीं। रियो कहती है ऐसा क्यों। नामी कहती है उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि वो मुझे डेट करना चाहता है। रियो नामी के पास समझ जाती है और उसकी मुश्किल हल करने की कोशिश करती है। रियो उसे कुछ तरीके बताती है जिससे कि वो पता लगा सके कि उसका क्रश उसे डेट करना चाहता है या नहीं। नामी रियो के आइडिया को ट्राई करने का सोचती है। नामी अकेले ही हंस रही होती है तो वाइस प्रेसिडेंट उससे पूछता है क्या बात है। नामी वाइस प्रेसिडेंट से पूछती है आपको कोई अच्छी से डेट की जगह पता है। वो कहता है मैं कभी डेट पे गया तो नहीं हूँ तो मुझे ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन मेरे पास दो एक्वेरियम की टिकट है, तुम्हें चाहिए तो बताओ। नामी कहती है हाँ आप मुझे दे दो। वो कहता है जब हम अगली बार मिलेंगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। जुन नामी को पूछता है क्या तुम क्रैब खाना पसंद करोगी। मेरे पास बहुत सारे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम उससे ले सकती हो। नामी इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से जाने नहीं देती और रियो की दी गई आइडिया पर काम करती है। नामी जुन के घर चली जाती है। वो जुन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, लेकिन उसके आंसर को सुनकर नामी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो उसे पसंद करता है या नहीं। नामी जुन को पूछती है मैं तुम्हारी कौन हूँ। जुन जैसे ही बोलने लगता है तभी घर की बेल बजती है। जुन चेक करता है और देखता है कि दरवाजे पर रेको है। नामी रेको को वहाँ पर देखकर डर जाती है और कहती है मुझे कहीं पर भी छुपा लो, बस छुपा लो। जुन नामी को कमरे में छुपने के लिए कहता है। तभी
नामी को अपने शूज याद आते हैं। नामी शूज को वापस लेने के लिए जाती है। इससे पहले वो कमरे में जा पाती, रेको घर में आ जाती है तो नामी लिविंग रूम में ही छुप जाती है। रेको डाइनिंग टेबल पर फूड देखकर जिन से पूछती है, कोई आया था क्या? जिन कहता है, मम्मा आई थी कल। जिन को झूठ बोलना नहीं आता तो वो कुछ भी बोल देता है। नामी का सर टेबल से टकरा जाता है। रेको नामी को देख लेती है। जिन कहता है, अब हम बता ही देते हैं। नामी जिन को बताने से रोकती है और कहती है, मुझे पसंद है क्रैब। मैं क्रैब के लिए ही जिन के क्लोज आई थी। मुझे सिर्फ क्रैब चाहिए और कुछ नहीं। जिन ये सुनकर बहुत ही ड्रामेटिकली बिहेव करता है और कहता है, तो तुम सिर्फ क्रैब के लिए मेरे पास आई थी? नामी को लगा था जिन उसका झूठ समझेगा, लेकिन वो तो अपनी ही दुनिया में खोया था। नेक्स्ट डे ऑफिस में नामी अपने ट्रू फीलिंग्स के बारे में रेको को बताती है। रेको उसे कहती है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम किसे डेट करती हो और सेम फॉर जिन, लेकिन अगर तुम प्यार के चक्कर में काम को नेगलेक्ट करने वाली हो तो तुम पहले ही इस जॉब को छोड़ दो। नामी कहती है, जब भी मैं कुछ कहती हूँ आप मुझे जॉब छोड़ने के लिए बोलती हो। मुझे समझ नहीं आता कि आप सिर्फ मुझे ही क्यों दोनों में से एक चूज करने को कह रहे हो। रेको कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों चीज़ें संभाल सकती हो? नामी रेको की बात से गुस्सा हो जाती है और कॉन्फिडेंटली कहती है, हाँ मैं कर सकती हूँ। नामी कंफ्यूज होती है इस बात को लेकर कि वो वर्क और लव लाइफ में कैसे बैलेंस करे। तब हांडा नामी को बताता है कि ह्यूमंस काफ़ी ही ग्रीडी होते हैं, उन्हें सब कुछ चाहिए लेकिन हम सिर्फ थोड़ा थोड़ा ही दोनों हाथों में होल्ड कर सकते हैं, और अगर तुम सब कुछ ही पाना चाहती हो तो तुम्हें दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। नामी कहती है, दूसरा रास्ता? तभी हारुका नामी के पास आती है टेंशन में और कहती है, तुमने अभी तक ड्रेस डिलीवर नहीं करी क्या? नामी कहती है, नहीं मैंने ड्रेस ऑलरेडी डिलीवर कर दी है। तब नामी को याद आता है शायद उसने किसी गलत डिज़ाइनर को ड्रेस दे दी है। नामी होटल जाती है जहाँ पर उसने ड्रेस डिलीवर करी थी। वहाँ से उसे पता चलता है कि ड्रेस जील कंपनी के पास है। नामी जील के चीफ एडिटर से बात करती है। एडिटर कहती है, मेरे पास इन छोटी चीज़ों के लिए समय नहीं है, और उसे बताती है कि आज जील का फोटोशूट है, अगर तुम्हें ड्रेस चाहिए तो वहाँ से जाकर ले लो। नामी और नकाजावा ड्रेस को लेने के लिए जाते हैं। ड्रेस येलो कलर की होती है। नामी देखती है कि सेम ड्रेस किसी और सेलिब्रिटी ने डाली हुई है। नकाजावा कहता है, अब तो ये बहुत ही मुश्किल होगा ड्रेस वापस लेना। लेकिन नामी पीछे नहीं हटती और सेलिब्रिटी को दूसरी ड्रेस पहनने के लिए कहती है, लेकिन वह नामी की सुनती नहीं है। तभी वहाँ पर रेको सेलिब्रिटी की फेवरेट ड्रेस के साथ आती है। सेलिब्रिटी रेको को देखकर खुश हो जाती है। रेको की पहले से ही सेलिब्रिटी से जान पहचान होती है। रेको उसे वो ड्रेस देती है। सेलिब्रिटी अपनी फेवरेट ड्रेस को देखकर उसे मना नहीं कर पाती और ड्रेस को चेंज करने के लिए राजी हो जाती है। नामी रेको से माफ़ी मांगती है, लेकिन रेको नामी को हार्श रियलिटी दिखाती है। वो नामी को कहती है, तुम्हें पता है हारुका को क्यों प्रोफेशनल कहा जाता है? क्योंकि वो तुम्हारी तरह गलती नहीं करती है। रेको के हार्श कमेंट नामी को अपने आप को प्रूफ करने के लिए पुश करते हैं। नामी पूरी दिलोजान से कंपनी के इंट्रोडक्शन पेज पर काम करने शुरू कर देती है। नकाजावा भी ऑफिस में रुकता है। वो नामी को इतनी मेहनत करता देख उसके लिए खुश होता है। जिन नामी को बेंच के पास मिलने के लिए बुलाता है। नामी चाहकर भी खुद को जाने से रोक नहीं पाती। जिन नामी को फूड देता है और उसे वार्म हग देकर उसे ऑफिस में अच्छा काम करने के लिए मोटिवेशन देता है। नामी जिन से मिलने के बाद खुश हो जाती है और जिन का दिया खाना खाती है। नकाजावा नामी के लिए स्नैक्स लाया होता है, लेकिन नामी को ऑलरेडी खाना खाता देख उसे दे नहीं पाता है। फाइनली नामी का काम ख़त्म हो जाता है। काम ख़त्म होते ही नामी ऑफिस में सो जाती है। नकाजावा नामी का काम चेक करता है और उसे उसका काम बहुत ही पसंद भी आता है। वो नामी को ये सोता देखकर उसे ब्लैंकेट उड़ा देता है। नामी रेको को अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। रेको प्रोजेक्ट की बहुत सारी गलती निकालती है। नामी उससे डर कर ऑफिस से चली जाती है, लेकिन असल में रेको को नामी का काम पसंद आया होता है और वो उसे कंपनी के इंट्रोडक्शन पेज के लिए पास कर देती है।
वाइस प्रेसिडेंट रेको के ऑफिस में आता है और नामी के बारे में पूछता है। रेको बताती है कि वो बाहर गई है, तो वाइस प्रेसिडेंट रेको को एक्वेरियम की टिकट देता है नामी को देने के लिए। रेको कहती है, ये किस लिए? वो कहता है, डेट के लिए। रेको चौंक जाती है और कहती है, क्या आप और नामी डेट पर जा रहे हैं? वाइस प्रेसिडेंट उसे मना करता है। आखिरकार वाइस प्रेसिडेंट रेको को डेट पर चलने के लिए पूछता है, लेकिन फिर चुप हो जाता है। रेको ये देख लेती है और फट से चलने के लिए हाँ कर देती है। नामी रियो से मिलने के लिए होटल जाती है। जुन डिसाइड कर लेता है कि वो भी नामी को अपनी फीलिंग्स बता देगा, इसलिए वो नामी से मिलने के लिए जाता है। नामी जुन को वहाँ पर देख कर पूछती है, तुम यहाँ पर कैसे? जुन कहता है, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बताने के लिए आया हूँ। तभी रियो जुन को देख लेती है और कहती है, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? नामी उसे अपना बॉयफ्रेंड कह के इंट्रोड्यूस करने ही वाली होती है कि तभी जुन कहता है, रियो तुम कब आई? जुन को ऐसे बात करते देख नामी को याद आता है कि जुन की बचपन में एक दोस्त है जिसे वो बहुत पसंद करता था। ये जानने बाद कि वो बचपन की दोस्त और कोई नहीं बल्कि रियो ही है, नामी शॉक रह जाती है और कुछ कर नहीं पाती है। इसी के साथ हमारे पार्ट 5 की एंडिंग होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और देखने के लिए थैंक यू।